गुड मॉर्निंग भाई साहब, रात भर जो आपने आतंक मचाया ना, कोई नहीं सो पाया। ये पूरी रात रोया, पूरी रात। और मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल है कि ये रुक पाएगा 2-3 दिन घर पे, क्योंकि ट्रीटमेंट होना है तो घर पे तो रखना पड़ेगा। पर जिसने रात हालत की है ना, मुझे ही पता है। नवाब की पलटन आ रही, आवाज़ लगाई है मैंने, सब आ रहे हैं भागे भागे। आ जाओ शाबाश शाबाश, गुड बॉयज। हाँ, भैया से मिलो। ये चिंटू आ गया, उधर डेजी है, उधर भोलू है। काली को आवाज़ लगाई थी, काली और काली के बच्चे को उन्होंने देखा और इग्नोर कर दिया। अच्छा अच्छा, भोलू ने अब स्पीड पकड़ी। रुक जा चिंटू, रुक जा। ओले भाई, ये क्या चल रहा है, हाँ। ये देखो, ये गोली जा रहा है ना, वो सामने पता कौन है गोल्डी। इन लोगों को क्या करूं भाई मैं। ये देखो कितनी स्पीड से भाग के गए, जैसे कितना जरूरी काम है। चिंटू तू क्यों रह गया भाई, तू भी चला जाता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। मेरी आईज जितनी सूजी हुई, आइडिया लगी गया होगा, मैं रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि जो हम लोगों ने पिल्लू रेस्क्यू किया ना, वो पूरी रात रोया, पूरी रात परेशान रहा, दरवाजे खड़खड़ाता रहा, बिल्कुल नहीं सोया वो। जब वो नहीं सोया तो हम भी नहीं सो पाए, क्योंकि वो बहुत गंदा रो रहा था। तो अब मैं सुबह 6 बजे, जब 6 बज गए तो मुझे लगा कि अब तो नवाब को घूमने का टाइम हो गया, तो घूमने ही चलते हैं। तो 6 बजे सोया है वो, और आराम से चैन की नींद लगा। दिन में सोएगा, रात में जागरण करेगा। बहुत आफत आ जाएगी, क्योंकि उसकी टांग में चोट है और उसको एटलीस्ट रखना तो पड़ेगा ही ना घर, जब तक डॉक्टर बताएंगे। तो पता नहीं कैसे मैनेज होगा रात को। मुझे पता है कितना परेशान किया उसने। सबसे पहले अपने पौधों का हालचाल ले रही हूँ। ये देखो गेंदा कितना सुंदर लग रहा है, और इधर रोज, ये इंग्लिश रोज है वो मोटे वाला, देसी रोज उधर लगा। हमारे पेड़ पे ना पत्ते आने शुरू हो गए हैं और काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन अब फूल का ऐसे पत्ते से गिर रहे हैं, फिर उसके बाद में इस पर फल लगे हुए हैं वो गिरेंगे। मतलब ये पेड़ अपने आप में ही एक मौसम है भाई। यहाँ पे ये लगा हुआ है देसी गुलाब, और ये वाला इंग्लिश रोज ऑरेंज। यहाँ पे टमाटर की लास्ट हार्वेस्टिंग है ये हमारी, इसके बाद टमाटर को टाटा बाय बाय हो जाएगा। इधर बैठा है मेरा गुलाब का फूल, जो वॉकी वॉकी करके आया और निकल गई जीभ है ना, वो कैसे है। कॉल आया, एक बच्चा आया हुआ था, उसके पेरेंट्स आए उसको लेने के लिए, और उसको थोड़ी सी एलर्जी हुई है मतलब बॉडी पे, तो डॉक्टर के पास लेके गए हैं, डॉक्टर पंकज के पास में। तो तब तक मैं रहने वाली हूँ यहाँ पे नवाब की दुनिया में, और यहाँ पे बच्चे एकदम फुल हाई चार्ज हैं, क्योंकि रात को सोए हैं तो बैटरी इनकी एकदम। और यहाँ पे शहजादा तो लड़ नहीं रहा, खेल रहा है उसके साथ में। एक सिरजू है यहाँ पे, उसके साइज़ का है तो उसको वही समझ में आ रहा है। इधर ये ब्लैक, इधर शहजादा, इधर हीरो, इधर वो सिरजू है, हाँ इसके साथ में खेल रहा है शहजादा, क्योंकि इसके साइज़ का हो गया ना। अभी मैं जस्ट घर आई हूँ, और मैं ऐसे ही चली गई थी नवाब को घुमाने के बाद में, एकदम से रोहन का कॉल आया, मैं एकदम चली गई ना, चाय पी वगैरह कुछ भी नहीं। अब चाय पीऊँगी, उसके बाद में देखती हूँ कुछ प्लांट्स में अगर पानी वगैरह लगाना है, नहीं तो फिर नहाने के बाद में। मुझे याद आया कि नहाने की बात कैसे कर सकती हूँ। रात को पिल्लू लेके आई हूँ, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उसको लेके जाना। जैसे वो उठा ना, उठ के रोया तो ध्यान में आया कि अरे पीछे तो पिल्लू है, उसको लेके जाना। ये रहे अपने पिल्लू भाई साहब। हाँ जी चलो, सुई टुई में सुई लगवाने चलो। इसने, अरे बाप रे, सुसु तो इसने ऐसे नदियां सी बहाई है, इतने छोटे से पेट में सुसु कहाँ से आया इतना है। अरे बाप रे, नहाना नहीं है बेटा, नहाना नहीं है। अभी हम लोग पिल्लू को लेके निकल रहे हैं, नवाब और विस्की घर पे ही रहेंगे, है ना, घर की रक्षा करेंगे दोनों बहन भाई मिलके। डरा पड़ा है, हमें जब रात को भी लेके आए ना, तब भी एक जगह स्टैचू बन के खड़ा था। छोटे से ठीक है, कम हो जाएगी थोड़ी, कम हो जाए, फिर कल देखते हैं। अभी हम लोग क्लिनिक से वापस निकल गए पिल्लू के साथ, है ना। डॉक्टर ने बोला है कि इसको हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो आज स्वेलिंग कम करने के लिए इंजेक्शन दिए, कल फिर से दिखाना है। जय, और रास्ते में मुझे मिल गई नर्सरी, तो मैं यहाँ उतर के एक चक्कर लगा रही हूँ कि कोई पौधा ही मिल जाए,
अरे ये तो सूरजमुखी है। मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, सूरजमुखी के पौधे आ गए हैं। और लेकिन ये है चाइनीज, मतलब हाइब्रिड, छोटी छोटा फूल है, मुझे पसंद है बड़े वाला। और सूरजमुखी का फूल आई लव, मतलब मेरा फेवरेट फ्लावर है सूरजमुखी। तो हम लोग आ तो गए हॉस्पिटल से वापस, पिल्लू को बाहर रख दिया है और नाबू ने हमें उठ के भी देखा कि घर में कोई आया है। एक एक करके बच्चों को खाना खिला रही हूँ। शुरुआत की मैंने विस्की से, विस्की पीछे वाला जो पप्पी है जिसकी टांग में चोट है, देन गोलू को खिलाया, अभी भोलू खा रहा है, उसके बाद में चिंटू, डेजी एंड काली, एंड काली का बच्चा। पारी हमारे पिल्लू जी की रोटी एंड दही। हाँ जी, पर देखना इसकी जो टांग ऐसे लटक रही है ना, इतना बुरा लग रहा है देख के, मतलब सपोर्ट करके भी नहीं रख पा रहा, सिर्फ लटक रही है। आराम से खा लो, कोई रोटी नहीं छीनने आएगा और कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। और आइज देखना इसकी, डरता डरता खा रहा है, रात भी इसने डरते डरते खाई। इसको ऐसे लग रहा होगा ना कि डांट ना दें, वैसे तो नहीं लगना चाहिए, बचपन से खिला रही हूँ मैं इसको, पर फिर भी ये घर में आया तो इसको। सर आ जाओ, घर वार है आपका, घर भी है बेटा, आ जाओ घर आ जाओ, कोई मतलब नहीं। हम लोग आए हॉस्पिटल से, मुंह उसने मुंह उठा के देखा तक नहीं कि कौन आया। उनका कॉल आया, रोहन ने मुझे बुलाया, एक जरूरी काम आ गया है यहाँ पे। एसी आए हैं यहाँ पे, इनमें से किसी में घोंसला निकला है और 2 दिन के बच्चे हैं और कुछ अंडे हैं जो अभी फूटे नहीं है, तो इनको वापिस इनकी जगह पे रख के आना है, क्योंकि इनकी मम्मी वेट कर रही होगी और रो रही होगी बेचारी। ऊपर रखना बेटा इज्जत में शफट से। अरे यार, 2 अंडे हैं और 2 बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं। मैंने वो सामने ऑटो बुक किया है ओला का, और ये बच्चे हैं यहाँ पे, इसके अंदर लेके जा रही हूँ। अभी आ रही है मम्मा, ठीक है। नाबू ना आवाज़ सुन रहा है बच्चों की। हाँ बच्चों की आवाज़ सुन रहे हो आप, कैसा लग रहा है आपको? मैं ना जो ये बच्चे हैं और जो अंडे हैं इन्हें लेके जा रही हूँ सेक्टर 93, जहाँ से AC आए थे, वहाँ पे इनकी मम्मी के पास में ड्रॉप करके आऊँगी। घोंसला रख दिया छत पे और अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ ओला करके। भैया और को किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि सब अपने काम में बिजी थे, भैया मीटिंग में थे और दूसरे भैया। मैं वापसी में आ रही थी तो मुझे यहाँ भी नर्सरी दिख गई। बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, मैं ये तो पूछ रही हूँ कितना बड़ा फूल होगा ये? फूल इतना बड़ा आएगा, कितना? काफी बड़ा होगा। काफी बड़ा पक्का? वैसे ही सीजन मनाया मैंने मन को, लेकिन मैंने एक पौधा एक फिर से ले लिया। चलो भैया, सनफ्लावर इन द हाउस गाइस, फाइनली। मैं ना सुबह जाते हुए जब मैं पिल्लू को लेके जा रही थी ना, जब उसके ट्रीटमेंट कराने, मैं जब सुबह पप्पी को वापस लेके आ रही थी ट्रीटमेंट करवाते, तो मैंने लेफ्ट हैंड में देखा था नर्सरी पे सनफ्लावर रखे हुए थे, तो उस टाइम पे तो मैं निकल गई थी, लेकिन मेरे को माइंड में था कि मैं सुबह भी आऊंगी कल भी आऊंगी तो ले जाऊंगी। अब मेरा आज फिर से दूसरा चक्कर लग गया है घर का, तो मैं उतरी, मैंने ले ही लिया, मेरा मन नहीं माना। मैंने सुबह भी बताया था कि जो सनफ्लावर है वो मेरा फेवरेट फ्लावर है, मुझे बहुत पसंद है बचपन से। नाबू जय, आपके लिए गिफ्ट आया है, क्या आ सकता है? पता नहीं ना, वो क्या है? अरे ये देखो, अच्छा वो सूरजमुखी का पेड़, फाइनली सूरजमुखी का पेड़। सनफ्लावर पकड़ो, इसे धरती में लगाएंगे। ना वो कहाँ रह गया? पहुँच के मैं आई नवाब की दुनिया में, जो कल AC आए हैं उनके रिमोट सारे स्कूटी के डिग्गी में पड़े थे, तो वो पकड़ाने आई हूँ और जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट अभी खत्म नहीं हुई है। सूरजमुखी को अच्छे से निहार रहे हैं थोड़ी देर। मार्च खत्म हुआ नहीं, सूरजमुखी खिली खिलाई घर में है, और हमने ना यहाँ पे कुछ सीड्स लगाए थे सनफ्लावर के, तो ये अभी इतने ही ग्रो हुए हैं। ये जो छोटे छोटे से आप पौधे देख रहे हो ना, ये सनफ्लावर के सीड्स से हमने लगाए हैं, तो सोचो कितनी मिलावट आ गई है पौधों में भी। मार्च में फूल खिला खिलाया पौधा मिला। अब टाइम आ गया अपने सनफ्लावर को यहाँ पे लगाने के लिए। मैं लगाने को इसको गमले में लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इसको धरती में लगाऊँ और देखूँ कि इसका फूल कितना बड़ा जा सकता है धरती में लगाने से। लो जी, कर दिया हमने वृक्षारोपण, धरती में लगाया फूल, और ऐसी जगह लगाया जहाँ पे 5 से 6 घंटे की तेज धूप आती है, क्योंकि सनफ्लावर इज सनफ्लावर। पौधों को पानी देने आई ऊपर, और लोमड़ी फटाफट आई मेरे साथ में। ये है वो बेरी जिसके बेर हम लोग खा रहे हैं, और ये देखो कितने लाल लाल लग रहे हैं, पके हुए एकदम ऑर्गेनिक, और इसमें ना कोई खाद लगा है ना कोई केमिकल है। ये देखो कितने गिरे हुए हैं,
ये कौन सा स्टाइल है? ज्यादा कैजुअल नहीं है? बैठने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल नहीं है बाबू? है, यहाँ से देखूंगा। तो इधर बकेट में पानी भर रही हूँ मैं, थोड़ा लेट हो गई पानी देने के लिए। और शम्मी जी ने मैंने दिया लगा दिया है, और आज संडे है तो तुलसी में नहीं लगा। और इधर हमारी लोमड़ी टेबल पर देखो कैसे रेस्ट कर रही है, इसे पता नहीं क्या समझ में आई है, टेबल बहुत खुश है। और ये वाला जो पौधा है इस पर फूल आए ना आए, अपने आप में इतना सुंदर है ये, इसका कलर बहुत प्यारा नियोन शेड है। नवाब साहब आ गए हैं सारा काम करने के बाद में घर का घूमने। नवाब की पलटन भी आई है साथ में, सेम जगह है उसकी जहाँ वो सुबह आता है, वहीं शाम को दिन रात को, रात को थोड़ा सा हम पीछे आते हैं क्योंकि ये एरिया थोड़ा सुनसान है, तो रात को इतने क्योंकि लेट घूमता है तो रात को नहीं आते यहाँ पे, रात को हम अपने घर के पास ही घूम लेते हैं। और नाबू भाई मतलब इसे मिला कुछ? हाँ समझ आया काली, कुछ मिला? ये देखो हमने किया देसी जुगाड़, इधर से ये वाला दरवाज़ा खोल दिया। चल रही है अच्छी ठंडी हवा और अंदर घर में हो रही है गर्मी, तो मैंने वो जाली वाला दरवाज़ा खोल दिया, इधर ये दरवाज़ा खोल दिया। इन भाई साहब के पास खड़ी हूँ, बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि ये भाई साहब ना इतनी ज़ोर ज़ोर से रोते हैं कि पड़ोसी वाले भैया भी आ गए कि दीदी क्या हुआ, नवाब क्यों रो रहा है? मैंने कहा भैया नवाब नहीं रो रहा, ये रो रहा है, परेशान है, पेन में इसलिए रो रहा है। कह रहे अच्छा अच्छा, कह रहे मुझे लगा कि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, नवाब कैसे रोया आज? तो ये भाई साहब के साथ खड़ी हूँ, थोड़ा इनका मन लगा रही हूँ। और ये अपना देसी जुगाड़, तो खाने का बैग में हमने उठा लिया, अब हम लोग फीडिंग के लिए जा रहे हैं। रोहन का खाना लेट जाएगा क्योंकि नाबू ओले एक सेकंड फोकस करने दो मम्मा को, कहाँ पे हो आप? आ जाओ नीचे आ जाओ, घर देख रहे हैं ना आपको, आपको तो संभालना है घर, आ जाओ। अच्छा आज ना हवा बहुत अच्छी चल रही है तो छत पे ही है तब से। तो शुरुआत हमने की है यहाँ से काली के बच्चों से और कालू से। काली मेरे को तो बहुत तेज नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ के ना बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, वो देखो कहाँ बैठी है, लंगोटिया की दोस्ती चलती है। जैसे पहले ही पूरे घर के हाल चाल लेता है जैसे, उसके बाद में खाता है। कह और बताओ भैया काम धंधा कैसे चल रहा है, सैलरी टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है, फाइनेंशियल हालत कैसी है आपकी? ना वो मम्मा आ गई, अभी जाएंगे घूमी घूमी और पापा को खाना देने, पहले पापा को खाना फिर आपकी घूमी घूमी, ठीक है चुचु पोटी। ये है रोहन का डिनर बन के रेडी, और यहाँ पे कुछ डिमांड आई है साहब जी की, वो मैं अभी बना रही हूँ जो देने जाऊंगी फिर से। गुड्डू आ रही है मम्मा खाना पकड़ा के, उसके बाद में आपको वॉकिंग कराएंगे, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ इधर नवाब की दुनिया में, बच्चे यहाँ पे अभी सोए नहीं है, पूल साफ किया है, और रोहन करेंगे डिनर, इसके बाद मैं जाऊंगी नाबू का वॉकी कराने, लेकिन व्लॉग यहीं पे एंड होता है, इसके बाद में रोहन और मैं नहीं मिलेंगे तो वीडियोस हम लोग यहीं पे आदान प्रदान करने वाले हैं। तो गाइज अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मुझे नवाब का वॉक कराना है, लेकिन मैं वीडियोस अभी सारी ट्रांसफ़र करके जाऊंगी रोहन के फ़ोन में, तो दिन यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ रोहन बोल रहे हैं जैसे कि मैं आई हूँ खेत पे रोटी लेके, तो लिटरली जब भी मैं रोहन के लिए ब्रेकफास्ट लंच या डिनर लेके आती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं खेत पे, जैसे जब किसान किसानी खेती कर रहे होते हैं तो उनकी वाइफ जाती है खाना लेके, तो मैं ऐसे रोहन के लिए यहाँ पे खाना लेके आती हूँ, वही वाली फीलिंग आती है। तो दिन यहाँ पे हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, नाबू को घुमाना है अभी, लेकिन वीडियोज़ यहीं पर ट्रांसफ़र होनी है। तो आज का दिन होता है यहीं पर ख़त्म, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो। शुभरात्रि।